Right? Let's begin. So we are done with the ellipse. तो हमने जो नोटिस किया सो फार कि एलिप्स और हाइपरबोला में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बेसिक पे याद है और मुश्किल से वो टच करेंगे नॉर्मल, माने मोस्टली टेंजेंट भी होगा कि वही कंडीशन पर टेंजेंट से वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल या डायरेक्ट सर्किट इक्वेशन निकाल नहीं तो कॉमन टेंजेंट वाला। हाँ ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन टेंजेंट वाला क्वेश्चन है वो, तो बस वो कंडीशन से ही मान सकते हैं सी स्क्वायर है ना। और हाइपरबोला कंक्लूड करते वक्त अपन कुछ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जहां चारों भी माने पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सर्कल सबका कंडीशन पर टेंजेंसी पे एक क्वेश्चन आया 2017 एडवांस मैथ, इतना प्यारा क्वेश्चन है वो कि अगर आपको सारे कंडीशन याद है 2 मिनट में हो जाएगा। एज अ फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन था वो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इजी है ना, हाइपरबोला लास्ट में होगा है ना। यस यस ठीक है ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके तो आज अपन करेंगे स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला राइट। चलो हाइपरबोला, हाइपरबोला इज द थर्ड एंड द लास्ट कोनिक सेक्शन है ना। बेसिक 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 डेफिनेशन कि पहला डेफिनेशन अपन उठाएंगे कोनिक सेक्शन से कि SP अपॉन PM इज इक्वल टू E। A point moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point, ratio of distance from a fixed point to fixed line is always constant, and that constant is actually always greater than hyper, greater than ellipse, come equal to one parabola. Yeah? Achha. And basically, SP is equal to E times P. Mane aapke paas focus hai, directrix hai, aur eccentricity. तो अपन इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन इजीली फाइंड कर, ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, पैराबोला बहुत किया था, एलिप्स के बाद किया था, हाइपरबोला तो अपन स्किप करेंगे। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये एलिप्स ही है कि हाइपरबोला है, की का वैल्यू जब पहले बार लिख है। एक और ट्रिकी पॉइंट ये है कि एस कभी कभी बाहर एम के ऊपर चला गया, पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, वेरी गुड। पहले आपको चेक करना है एस एम पे है कि नहीं, अगर नहीं है तो बढ़िया, तो सिर्फ तब E पे डिपेंड करेगा। E का वैल्यू इक्वल टू 1 है पैराबोला, लेस देन 1 है एलिप्स, ग्रेटर देन 1 है हाइपरबोला, इक्वल टू 0 है सर्कल। अच्छा वो इक्वल टू 0 वाला याद है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, 1 - b² / a² √ a² - b² / a² √ सॉरी ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अच्छा देखो जिस दिन a b इक्वल, जिस दिन a इक्वल टू b दूसरा वाला डेफिनेशन जनरल वाला है ना। अगर आपके पास कोई जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy + c = 0, तो उसके लिए क्या है, अगर आपके पास जनरल जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है और अपने को चेक करना है कि रिजल्ट इज हाइपरबोला ना, इसके लिए क्या कंडीशन था, डेल्टा वन मान 0 एंड एंड मान से भी डेल्टा का डिफरेंस है, यस h स्क्वायर माइनस a b हैज टू बी डिफरेंस। ये दूसरा ये तो बेसिक डेफिनेशन जो अपन ऑलरेडी पैराबोला के ऊपर कवर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसा ही हमने एलिप्स के वक्त किया था वैसे अपन करेंगे हाइपरबोला है ना। आपको याद है हमने एक ट्रायंगल वाला कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था एलिप्स के वक्त, और मैंने तब बोला कि अपन डिफरेंस वाला हाइपरबोला के वक्त करेंगे। अब देखो कि कोई दो फिक्स पॉइंट है, मान लो ए और बी, एक पॉइंट पी ऐसा मूव हो रहा जिसका सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट, माने बी ए प्लस pb is constant, yeah? Ki remember this doesn't mean ki it is always ellipse, wo actually is pe depend karega ki wo ab ke sath kaise compare hoga, agar pa plus pb jo hai agar wo equal to ab ho gaya agar
अगर इक्वल टू ए बी होगा माने ये पी बाहर नहीं है, पी ऑन द राइट साइड है, बराबर, क्योंकि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी, माने जब वो स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। अच्छा अगर वो ग्रेटर देन ए बी है तब वेरिएंस होगा, माने पी ऊपर में स्ट्रेट लाइन। अच्छा अगर पी ए प्लस पी बी अगर ए कॉन्स्टेंट अगर वो लेस देन ए बी होता तो लोकस है ही, इट रिप्रेजेंट नथिंग। अच्छा ये सम हो गया। तो आपको याद है कि रैंडम इनइक्वालिटी में दो प्रकार के इनइक्वालिटीज होते हैं, एक तो सम लेकर और दूसरा डिफरेंस लेकर। अब देखो जब सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन टू साइड है तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज बी लेस देन टू साइड्स। आगे पक्का माने हाइपरबोला में, हाइपरबोला में ये करेंगे अपन कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स जो है इट विल बी इट हैज टू बी लेस देन दी थर्ड साइड। माने बेसिकली हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट प्लेन में ऐसा वो हो रहा होगा कि उसका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट, माने sp माइनस s डैश p इज कांस्टेंट। अच्छा ये अभी भी 2a ही होता है, विल सी बाय एंड ओवर, ये कांस्टेंट नेगेटिव ना होना चाहिए करके अपन मॉड अप। So sp minus s dash p is constant and say that is always equal to 2a. So remember, I used to say that two fixed points are s or s dash. This was basically a, 0 and this was minus 1, 0. Actually, we have started it from c. We started it from c. Remember? And the point here. And the addition of them was 2a. And is always greater than in the beach practice, which is 2c. Mane a greater than tab tha. It was back then. Ab kya ho raha hai? Ab kya ho raha? Now this is very interesting. Ab dekho abhi bhi ye minus c comma 0 hai. Acha abhi bhi inke beech ka jo duri hai abhi bhi wo 2c hai. But remember inka jo difference hai jaise ki ye p hai, sp minus s dash p jo hai it has to be less than which is basically 2c. अरे ये कितना है basically 2 तो है, is less than, अरे a is actually exactly तो अभी ये एक point add करना है कि here bracket में s s dash should be greater than the constant sp minus s dash. This comes from triangle inequality. When a difference of two sides is always greater than third side. बस इतना ही लिखना होगा। C is greater than B. है ना? कि अपन ये सब जानते हैं कि ये सब क्या करना है, कैसे करना है, approach. देखो पहले तो अप्रोच सेम सेम अप्रोच एलिप्स के वक्त भी ये किया था बॉडी पे डू कि ये एस और ये एस डैश करेक्ट। अच्छा इसको हमने सी को मसल कर सकते हैं और इनका जो दूरी था वो टू सी था और कोई एक रैंडम पॉइंट दिया था पी एक्स को हम वन करेक्ट। तो हमने तब क्या किया था sp plus dash p square one whole size वगैरह वगैरह। अभी difference है तो पहले x minus c का whole square plus y square, ये हो गया sp minus s dash p equal to what x plus c का whole square plus y square, this is basically equal to हमने calculation वगैरह कुछ नहीं किया, हमने direct लिखा कि इसको हमने simplify किया तो ultimately क्या आएगा x square by a square अब देखो plus y square by पहले a square minus c square is equal to 1। ये बोला था। अच्छा इसके बाद हमने क्या किया था कि ये positive quantity है करके
हमें a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को मिलेगा b स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूफ किया था पहले पहले मैं त्रिभुज ये पहले का ऑलरेडी हमने प्रूफ किया था कि a ग्रेटर देन c था पहले इसमें प्रूफ। अब जो है अब कौन बड़ा c a से बड़ा है, तो अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग आपको क्या करना होगा। लेकिन अपन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को b स्क्वायर से तो रिप्लेस नहीं कर सकते, वो तो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो अब अपने को क्या करना होगा इसको माइनस में, तो नीचे वाला पाएगा स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, आगे श्योर। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हाइपरबोला में अपन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हमने कंसीडर किया है c स्क्वायर, तो देयरफॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So before we proceed further, my examples are pointy here. So AB minus say एक लाइन सेगमेंट है ए बी सॉरी ए सी, अगर बी इनके बीच में है राइट, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो अगर बी इसके बाहर चला गया, अगर बी यहाँ समवेयर, तो तब क्या होगा ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो बी इधर भी हो सकता है क्या, इधर भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने क्या लगाया अगर b इधर साइड में होता तो क्या होगा। अब देखो a b माइनस b c, तो b c में से हमने किसको हटाया तो माइनस a c आएगा, क्योंकि छोटा इसमें से बड़ा इसको सकता है तो माइनस a c आएगा, इसलिए मैंने क्या लगाया। अब देखो if difference of two sides is equal to third side, तो भी वो किसको दिखाएगा, स्टेटमेंट को ही दिखाएगा पक्का, लेकिन वो एक रे जैसा। अब देखो अगर मॉडुलस ऑफ ए बी माइनस बी सी अगर लेस देन ए सी होता तब वो किसको दिखाएगा, हाइपरबोला को दिखाएगा। रिमेंबर डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन बी, इनके बीच का गैप पर कम होना चाहिए। एलिप्स में क्या हुआ करता था ज्यादा, हाइपरबोला में वो कम। अगर वो ए बी माइनस बी सी अगर ग्रेटर देन ए सी होता सिंपली नो लोकस, नो लोकस। इसके लिए अगेन स्टेटमेंट और इसके लिए हाइपरबोला है ना, प्लीज कीप दिस कंडीशन इन माइंड। है ना, शायद से हमने ये एलिप्स के वक्त भी डिनोट किया था, वी हैव डिनोटेड दिस ड्यूरिंग एलिप्स आल्सो, वहां सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड वाला कंडीशन था, तब जाके वो एलिप्स बनेगा, माने वहां ग्रेटर है तो एलिप्स बनेगा, यहां कम है लेस देन है तो हाइपरबोला बनेगा, वहां लेस है तो नो लोकस, यहां ग्रेटर है तो नो लोकस। ये कब काम करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर काम करेंगे, तब अपन रिकॉल करेंगे ये सब। अब आगे ठीक है, अच्छा सो अल्टीमेटली एलिप्स का इक्वेशन को हमने जब डिराइव किया था इट वाज x² / y² + y² / b² = 2, और यहां x² / y² माने ऐसे आगे जाके बहुत सारे फॉर्मूले में b² को -b² से रिप्लेस किया, यू नो हाइपरबोला के फॉर्मूले दिखेंगे आपको आने लगेंगे। अच्छा अब ये s है c कॉमा 0 अभी भी, और ये s डैश है माइनस c कॉमा 0।
अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन y को 0 डालेंगे, y को 0 डालेंगे, so what will we get? x square is equal to a square, so x is equal to plus minus k. So और यहाँ a जो है वो c से बड़ा है कि छोटा है? छोटा पक्का, इनके एग्जैक्टली बीच में कौन होगा? ओरिजिन होगा, तो a में कहीं यहाँ ले लो शॉर्ट, क्योंकि अब देखो a c से छोटा, c is bigger than a, माने a is less than c, माने a यहाँ होगा a कॉमन जीरो, और सिमिलरली a यहाँ नहीं होगा. तो a कॉमन जीरो और a dash minus a कॉमन जैसा हमने पहले भी किया था, वहां एक्चुअली a उधर हुआ करता था और ae इधर है ना, फोकाई अंदर वर्टाइसेस बाहर, और यहां वर्टाइसेस अंदर फोकाई बाहर, मतलब एक्चुअली अभी भी फोकाई अंदर ही है, अरे वो आप खुल गया हुआ है जीरो पर आपसे एलिप्स की साइड बना राइट. अच्छा एंड वो ऐसा हो गया, माने अभी भी देखो वापस में क्या करूंगा, c के जगह आपने लिखूंगा e कॉमा 0 और c, ये माइनस c की जगह माइनस a e कॉमा 0. अच्छा तो फिर ये रिलेशन कैसे मॉडिफाई होगा? तो विल से मॉडिफाई c a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1. अच्छा बढ़िया, कि दिस एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि एलिप्स के वक्त b स्क्वायर क्या था? उधर चला आगे, माने एक्सेंट्रिसिटी वाला रिलेशन जो है वो अपना जो फंडा है b स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस b स्क्वायर सेटिस्फाई करता है राइट. अच्छा ये है इसका कंडीशन b स्क्वायर वाला. अच्छा इससे ना मुझे एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करना है, तो यहां से मुझे एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करना है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माने a स्क्वायर इज अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माने e इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय. अच्छा ये भी कंसिस्टेंट है विद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. अच्छा एलिप्स के लिए क्या था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर से रिप्लेस कर, मतलब यहां c e ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए पॉजिटिव से एलिप्स में e लेस देन 1 सो नेगेटिव. एंड रिमेंबर मोर ओवर वी कैन आल्सो राइट इट दिस वे कि e स्क्वायर इज 1 प्लस इसमें हम डिस्कवर ऐसे भी लिख सकते हैं b by a का होल स्क्वायर, इसलिए क्या ये सब सकते हैं, मतलब माने अगर आपके पास रेशियो है तो
बी और ए का तो भी मिल जाएंगे, है ना? श्योर? सो ओके फाइन। सो अब देखो, पहले जो एलिप्स जो हमने किया था वो ऐसा था, है ना? ए इट वाज समथिंग लाइक चार बार ऐसे, लेकिन यहाँ दो ही दो है, क्योंकि हमने x के जगह जीरो रखा, तो y स्क्वायर कितना होगा? माइनस बी स्क्वायर होगा, माने y पे कोई पॉइंट है ही रियल पॉइंट, माने इसमें ये देखो x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही, तो फिर भी अपना यू नो कैलकुलेशन कैलकुलेशंस के लिए और कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, जैसा एलिप्स में हमने बी बी डैश लेते हैं, अभी भी हम लेंगे क्या लेंगे बी और बी डैश, तो इसको अभी भी नाम देंगे जीरो कमा बी और इसको भी बी डैश जीरो कमा। रिमेम्बर एलिप्स में चार वर्टाइसेस हुआ करते थे, ये चारों भी वर्टाइसेस थे एलिप्स में, लेकिन हाइपरबोला में सिर्फ दो ही है, ए और ए डैश। हम इसको ऐसे चलो बी को लाना है करके ला रहे हैं जबरदस्ती, राइट? अच्छा पहले हमने फोकाई को ज्वाइन किया एलिप्स में और उस लाइन को हमने नाम दिया था मेजर एक्सिस, रिमेंबर? अच्छा तो ना एकदम उससे परपेंडिकुलर लाइन को हमने नाम दिया था माइनस एक्सिस, तो ना हाइपरबोला के लिए वो दोनों लाइंस को या एक्सिस को हमने अलग नाम दिए हमने, कि ये जो लाइन है फोकाई को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है इसको हमने नाम दिया ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, इन शॉर्ट वी विल बी कॉलिंग इट एज टी। अच्छा एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड ऑफ कोर्स और रादर इनका फोकाई को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, फोकाई को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन को हमने नाम दिया कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। सीए इसको करना है, सीए सा सा नहीं सा ऐसे सा होता है, सीए क्या होता है, सीए सीए रहेगा ये सा मुश्किल है ना, चलो ए साइड सी सी सेवन ए ए चलो हर एक चीज डिफाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पॉइंट नंबर पहले हमने क्या डिफाइन किया था, वेरी फर्स्ट वहां पहले मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस यहां आपको पहले क्या लिखना होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, तीन पॉइंट इसके इक्वेशन इसके एंड पॉइंट और लेंथ ऑफ टी है ना, तीन पॉइंट आपको लिखना, फर्स्ट वन ट्रांसवर्स एक्सिस, इसमें पहला पॉइंट इक्वेशन व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y से, दूसरा एंड पॉइंट अभी भी से माने a a कॉमा 0 और a डैश, अच्छा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, माने ये कुछ चेंज हुआ नहीं, कुछ भी चेंज हुआ सिंगली ट्रांसवर्स एक्सिस a, अच्छा देखो पॉइंट नंबर 1 ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, बस सिर्फ हमने मेजर की जगह हमने लिख दिया ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट्स द ओनली डिफरेंस, इक्वेशन चेंज नहीं हुआ ना, इक्वेशन चेंज हुआ ना लेंथ या एंड पॉइंट्स कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट दूसरा एक्सिस क्या लिखना, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस इसका पहला इक्वेशन x0 नथिंग हैज चेंज्ड, दूसरा अब देखो एंड पॉइंट्स लिखेंगे बट लेकिन ऐसे कोई एंड पॉइंट्स है ही नहीं, अब ऐसे इमेजिनरी एंड पॉइंट्स लिया है ना, ठीक है फिर भी लिखेंगे एंड पॉइंट्स,
simply p 0 comma b and p dash 0 comma minus or this the length. Length is semi conjugate axis. So, but the only difference is that ellipse used to have 4 vertices, but hyperbola has only 2 vertices. इसके बाद शायद से पहले हमने फोकाई को इंट्रोड्यूस करा था, इज इट इंट्रोड्यूस फोकाई एवर ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंटर, एंड अभी भी देखो सेंटर का रोल है लेकिन लास्ट ये सेंटर है अभी भी माने द पॉइंट वेयर मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस मीट और द पॉइंट वेयर डीए एंड सीए मीट अपन लिखेंगे लास्ट टुवर्ड्स एंड and remember ये vertices का भी midpoint है और foci का भी midpoint है, तीनों ways में अपन define कर सकते हैं midpoint of foci या midpoint of endpoint of endpoints या point where P and C meet, लेकिन foci को define करते हैं foci S AE comma 0 और H dash minus AE comma 0 y1 और दूसरा distance, distance between them is how much? 2AE. अब देखो, since we have already discussed कि AE is how much? 2AE है ना alternate. अब देखो, there will always be some degree of confusion. प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ऑलवेज कीप इन माइंड में आपको बस ये फोटो याद रखना है, आप प्लस करोगे तो कितना बढ़ेगा, माइनस करेंगे तो घटेगा, हाइपरबोला में उधर साइड में होता है, माने आपको प्लस करना है, आई मीन सिंपल वे टू रिमेंबर थिंग्स, माने आपको क्या है ये भी लिखना है कि s s डैश की जगह इट शुड आल्सो बी राइटिंग रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा 0 प्लस माइनस, ये भी लिखना है ठीक है, रूट ओवर प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है, ये हो गया फोकाई. अच्छा पॉइंट नंबर 4 डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा तो आपको याद है हमने एलिप्स के वक्त क्या किया था कि एलिप्स के जैसे कि ये ऐसा एंड पॉइंट्स के अंदर ए और बाहर डायरेक्ट्रिक्स ए बाय ई था, अब देखो वेरी सिंपल, अगर आप a को e से डिवाइड किया तो वो घटेगा क्योंकि e एक्चुअली में ग्रेटर देन 1, पर जैसे कि a 3 है e 2 है तो 3 by 2 is less than 3, माने यहां जो डायरेक्ट्रिक्स जो बनेगी वो अंदर बनेगी है ना, आगे पक्का ड्रॉ कर लेते ये ड्रॉ करना है, x is equal to a by e और x is equal to minus a by e, so equation of directrices is a equation x is equal to plus a by e, x is equal to minus a by e. दूसरा उनके बीच का डिस्टेंस 2a by e. अब देखो कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, चारों के चारों पॉइंट्स एज इट इज, बट द ओनली डिफरेंस इज कि जहां जहां बी स्क्वायर है वहां माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस किया है ना, अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. फिफ्थ वाला फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंसेस देखना होगा क्यों, क्योंकि दो दो फोकल डिस्टेंसेस है, दो दो फोकल है ना, फोकल डिस्टेंसेस तो एक होगा SP और दूसरा होगा, आपको याद है एलिप्स के वक्त a माइनस ई एक्स होता और दूसरा a प्लस ई एक्स, a माइनस ई एक्स a प्लस ई एक्स दोनों को ऐड किया SP प्लस एस डैश बी टू ए बना, अभी अपने को क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा, माने वो उल्टा हो जाए, माने x माइनस ए और x माइनस सॉरी सॉरी ई एक्स माइनस ए ई एक्स प्लस उल्टा हो गया x माइनस ए
ax minus ex a plus x वेरी गुड मैं बिल्कुल सही कर अब देखो ठीक है वो सब छोड़ो डेरा चलेंगे है ना मिशन का डेरा मिशन अब देखो पॉइंट ए का ये है p x कॉमा 1 सही है अच्छा अब देखो क्या फाइंड करना है ये तो फाइंड करना है sp और sp कितना होता है sp pm होता है इसे अच्छा माने सॉरी e टाइम्स sp इज e टाइम्स pm और यहां e टाइम्स p m डैश अच्छा e टाइम्स pm कितना है ये निकालना है pm माने ये वाला अब देखो ये ओरिजिन है अब ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है x पक्का ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस a by e ये a by e है और ये कितना है x तो x में से a by e को घटाना है पहले a by e में से x को घटाया था क्योंकि a by e वहां आगे श्योर माने हम अपने को क्या करना है x में से a by e को घटाना तो ये बनेगा ex minus सही है अच्छा e times अब अगर अपने को फाइंड करना है s dash में ये वाला है माने अब अपन क्या करेंगे इसको इधर लिख रहा हूं यहां होगा n डैश क्यों क्योंकि इसका डायरेक्ट्रिक्स यहां और इस फोकस का डायरेक्ट्रिक्स ये होता है करस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स सो s s डैश p इज p n डैश है ना अच्छा ये दूरी निकालना अब बताओ ये डिस्टेंस कितना है तो माइनस से डिस्टेंस a / a / e ये डिस्टेंस कितना है x ये पूरा x plus a by e करेक्ट सो x plus a by e माने e x plus a अब देखो ये भी सिंक में है वहाँ उल्टा था a minus e x था और a plus e x तब ऐड किया तो 2 a आया देखो एक सिंपल सा ट्रिक पहले इसे अपन ऐड करते हैं तब जाके 2 a आना चाहिए उसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा आप समझ में आ जाएगा कौन प्लस है कौन माइनस यहाँ आपने को क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट और मॉड्यूलस अच्छा तो सब्ट्रैक और मॉड्यूलस सब्ट्रैक किया माने sp minus s dash p इसमें से इसको घटाया minus ex plus ex इसमें से इसको घटाया वो ex कैंसिल हो जाएगा सर और माइनस 2 है और इनसाइड से मॉड्यूलस सब्ट्रैक किया तो बनेगा नाउ वी हैव टू दिस फोकल डिस्टेंस हो गया उसके बाद क्या करना है एक्स एंड से लिखे तो डायरेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं ला ला के बाद तब रहता था ऑक्सिलरी सर्कल के बाद एक्स एंड से पर वो सब कर लेते हैं अच्छा योग्य फोकल डिस्टेंस का कहा है तो अभी नोटिस किया ज्यादा कोई मैंने सिंपल सिंपल मॉडिफिकेशन रेस्ट इज ऑल सेम नेक्स्ट क्या है ना पॉइंट नंबर 6 तो लैटिस एक्स का मतलब कितना होगा लैटरल वेक्टर अच्छा व्हाट आर लैटिस वेक्टर बेसिकली व्हाट इज लैटिस वेक्टर पर्पेंडिकुलर फोकस एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिस इन दिस केस इज ट्रांसवर्स एक्सिस करेक्ट अरे ये वाला होगा सही है ये वाला होगा करेक्ट और इधर में भी होगा ये वाला होगा करेक्ट अच्छा इनके इक्वेशन तो फिक्स्ड है जैसे मेरे पास x is equal to a e और ये वाला माइनस x is equal to माइनस करेक्ट तो पहले ये हम लिखना होगा इक्वेशन पॉइंट नंबर इक्वेशन x is equal to a e और x is equal to माइनस a दूसरा एंड पॉइंट्स तो एंड पॉइंट्स के एंड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है तो एल ए कॉमा समथिंग एल डैश ए कॉमा समथिंग है ये एल है और ये एल डैश ये तो पक्का ए ही है अच्छा तो याद है वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें हाइपरबोला बना दे हाइपरबोला अच्छा हाइपरबोला इक्वेशन x स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का बेस अच्छा x की जगह क्या डालना होगा a तो ये बनेगा a स्क्वायर
square by a square minus y square by b square is equal to a square square. अच्छा, तो देखो e square minus one is equal to ऐसे कुछ होगा? Yes. पक्का? लेकिन ना e square minus one कितना होता है? So, b square by a square. अरे मतलब b raised to 4 by e square square. अरे ultimately y is plus or minus b square by a. सही है? अच्छा ये भी तो चेंज नहीं हुआ? तो a plus b square by a है दूसरा? अच्छा इधर वाले इसके लिए भी सी? अरे नथिंग हैज चेंज बेसिकली. आई वुड से नथिंग इधर. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. अच्छा ln डैश. तो ये n और ये ln डैश. तो ये माइनस a कॉमा माइनस b स्क्वायर का है और ये माइनस माइनस a कॉमा b स्क्वायर का है. अच्छा लेंथ कितना होगा? बोला ना सर 2 b स्क्वायर बाय 2 है ना. सेम तो m ln डैश r को प्लस और माइनस ए माइनस ए कॉमा प्लस और माइनस बी स्क्वायर पर. तो एक काम करेंगे, चारों एक साथ लिख देंगे. बेस्ट, चारों एक साथ लिख दिया. प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी स्क्वायर पर. अच्छा तीसरा लेंथ, लेंथ इज 50 टू बी स्क्वायर पर. अच्छा सो फार सो गुड. अच्छा हेलो ओके. नेक्स्ट इज की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स. उसके लिए आपने को इंट्रोड्यूस करना होगा एक्सेंट्रिक एंगल और ऑक्सिलियरी सर्कल. ठीक है? अच्छा तो वो अपने को देखना. देखो तो पहले ना एलिप्स वाला यहां रिकॉल करके एलिप्स वाला कि एलिप्स के वक्त हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे इंट्रोड्यूस किया है ना. तो वो देखते पहले. तो ये एलिप्स का ऑक्सिलियरी सर्कल क्या होता है? फ्रंट एक्सिस का मेजर एक्सिस टैंक. उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया था, सर्कल में पॉइंट लिया था, उसको ए कॉस थीटा ए साइन थीटा नाम दिया था हमने. और वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, याद है? सी एन. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पी एन. और वो पी एन कहां इंटरसेक्ट कर रहा था? एलिप्स को क्यू पे, माने एक्स से वो बस ए कॉस थीटा. और ये एक cos थीटा हमने डाला एलिप्स पे, तो वो आ गया ये तरीका था. ठीक है, तो हमने ऑक्सिलियरी सर्कल पे पॉइंट किया, वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उससे सॉरी ये परपेंडिकुलर एलिप्स को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा. आ गया, रिमेंबर? और एक्चुअली ये जो पॉइंट था, सॉरी ये जो एंगल था, वो था एक्सेंट्रिक एंगल. रिमेंबर, एक्सेंट्रिक एंगल हमेशा सर्कल का होता है, एलिप्स या हाइपरबोला का. लेकिन अपन थीटा ले लेते हैं, ले ले. अच्छा ठीक है, अभी प्रॉब्लम भी है. सो रंच ऑक्सिलरी सर्कल एक्सेंट्रिक एंगल एंड ऑक्सिलरी सर्कल पॉइंट नंबर 7. सर ऑक्सिलरी सर्कल एक्सेंट्रिक एंगल ऑक्सिलरी राइट कितना इंपॉर्टेंट है. I draw a smaller hyperbola. Okay? It is still the same. What is auxiliary circle basically? Auxiliary circle is a circle with major axis as diameter. Acha, yeah, major axis nahi. Transverse axis. Very good. So, right. A circle drawn with transverse axis. As diameter, circle drawn with transverse axis as diameter is auxiliary circle. So tell me, auxiliary circle का equation change हुआ क्या? Did equation of auxiliary circle change? So no longer triangular. पक्का? नहीं हुआ. Change हुआ? नहीं sir. Obviously क्योंकि पहले भी transverse axis का सॉरी पहले मेजर एक्सिस का लेंथ 2a हुआ करता था, अभी ट्रांसवर्स का भी 2a ही है. अब देखो एक प्रॉब्लम. ठीक है, पहले क्या किया था हमने? पॉइंट ऑन सर्कल है ना. श्योर? पहले हमने पॉइंट ऑन सर्कल लिया था. अब प्रॉब्लम है, अब पॉइंट ऑन सर्कल लेकर अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसे कहां इंटरसेक्ट करना,
तो इसके हमने क्या किया, हमने पहले लिया था पॉइंट ऑन हाइपरबोला कि कौन सा पॉइंट है बिलो, ऐसे छोड़ दिया, तो वहां से मैंने एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉ किया एज इट इज पीएम श्योर। अच्छा एम का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा पी का भी। अब देखो पी से मैंने क्या किया एक टेंजेंट ड्रॉ श्योर, और इसको मैंने नाम दिया क्यू। देखो दोनों उल्टा हो गया, पी और क्यू के पोजीशन इंटरसेक्ट हो गए। पॉइंट पहले पी कहां हुआ करता था सर्कल, सर्कल से कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया वो एलिप्स को क्यू पे इंटरसेक्ट करेगा। यहां रिमेंबर ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, है ना, थोड़ा सा डिबेट हो गया कि हमने पॉइंट एलिप्स हाइपरबोला पे कंसीडर किया, वहां से कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया और वहां से हमने टेंजेंट खींच लिया। अच्छा अब देखो, अब मैंने ओ को क्यू से जॉइन किया, क्लियरली दिस इज व्हाट थीटा। अब ये सेंटर का एंगल होता है। अब देखो मेरे पास ये है श्योर। अच्छा ये एंगल कितना है 90 और कवर। अच्छा मेरे पास ओ है हॉरिजॉन्टल वाला, हां सर कितने व्हाट विल दैट बी, अच्छा हॉरिजॉन्टल होगा सर 1 cos श्योर का अरे बस एक और सेट आती है अभी को हाइपोटेन्यूज चाहिए है उल्टा कर उल्टा कर दिया और ये 1 बाय cos थीटा होगा। अब देखो जस्ट टू मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, व्हाट इज cos थीटा फॉर दिस एडजेसेंट सर ऑफ 100 बाय सो व्हाट इज ओए हियर 3 बाय cos थीटा 1 बाय cos थीटा उल्टा कर दिया जनरली एडजेसेंट ये फाइंड करते हैं हाइपोटेन्यूज यूज करके माने ओए इज एक्चुअली ए सेकेंड थीटा। अच्छा माने ओएन जो है ये है ए सेकेंड थीटा माने एन का एक्सपोनेंट ए सेकेंड थीटा कॉमन जीरो माने पी का भी एक्सपोनेंट ए सेकेंड। अब ये कहां डालना होगा ये हाइपरबोला, तब जाके अपने को हाइपरबोला का बाय फॉर देखते एक्स स्क्वायर पर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या डालना है ए सेकेंड, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल तो यहां बचेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो वन को इधर माइनस वन इस वाई स्क्वायर पर, पर व्हाट इज सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन टैन स्क्वायर थीटा, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टैन स्क्वायर माने वाई इज इक्वल टू प्लस वन थीटा प्लस थीटा वो माइनस प्लस वो थीटा के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, तो क्लियरली दिस इज बी टैन थीटा माने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चेंजेस है। मैंने एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना हमने लोग इसके बारे में यस, तो हमने पॉइंट हाइपरबोला में लिया वहां से कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया और वहां से हमने टेंजेंट खींच लिया और उसको फिर जॉइन किया तो तब जाके ये थीटा बना श्योर। सो अभी इमीडिएटली इसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट है हम लिखना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसमें तो पढ़ा रहेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस है ना, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। एंड ऑब्वियसली एक्सेंट्रिसिटी पे हमें कुछ सीखा नहीं, तो एक्सेंट्रिसिटी के लिए आपको तीन कंडीशन याद रखना होगा, कौन सा पहला वाला ए बी और ई के इसमें, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सेवन मान सारे राइट, ये फर्स्ट कंडीशन इसका आपको ये लिखना होगा रिलेशन बिटवीन ए बी रिलेशन बिटवीन ए बी ई, उसमें लिखेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर माइनस, और इसके नीचे एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी में क्या लिखना होगा एक्सेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू और ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी बाय का स्क्वायर एंड ई इज इक्वल टू √1 स्क्वायर टू ई स्क्वायर बाय क्लियर। अब देखो ऑलमोस्ट बेसिक हो गया। अच्छा
तो ना इस एलिप्स को अगर ये एलिप्स होता तो दिस टू कॉल इट एज व्हाट टाइप ऑफ एलिप्स तो वहां a ग्रेटर देन b है तो दिस टू कॉल इट एज और b ग्रेटर देन a है तो वर्टिकल एलिप्स तो हियर instead of vertical hyperbola we basically call it as conjugate hyperbola ठीक है conjugate hyperbola तो पहले conjugate hyperbola के सारे points अगर पहले वो भी कर लेते हैं then we'll move on to some basic questions करेंगे and we'll see अच्छा so first thing first major axis is transverse axis तो इसका equation has not changed एंड पॉइंट हैज नॉट चेंज लेंथ इज आल्सो हैज आल्सो नॉट चेंज अच्छा उसके बाद वहां माइनर एक्सिस यहां कंजुगेट एक्सिस इक्वेशन तो वही है एंड पॉइंट्स भी वही है लेंथ भी वही है अच्छा थर्ड पॉइंट फोकस अभी भी ae, 0 डिस्टेंस टू ae टू ae सो द ओनली थिंग इज कि जब अपन ए और बी केस में कन्वर्ट करते हैं कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हियर और वहां रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेक्स्ट इसके बाद फोकस डायरेक्ट एक्सिस ए बाय ए सी प्लस और माइनस ए बाय डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सिस को ए बाय चेंज नहीं होगा मुझे फोकल डिस्टेंस एस यहां एस वहां एस पी प्लस एस डैश पी यहां एस पी माइनस एस डैश एस टू ए टू ए अच्छा फोकल डिस्टेंस जो भी हमने डिराइव किया उसके बाद लाइट में कुछ भी चेंज नहीं होगा इक्वेशन वही है एंड पॉइंट भी वही है और लेंथ भी वही है कुछ भी चेंज नहीं हुआ अच्छा और ऑक्सीजन सर्किल का इक्वेशन भी वही है x plus y square equal to a square कैलोरीमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में देयर आर चेंजेस वहां पर लेते थे a cos थीटा b sin थीटा और यहां a sec थीटा b एक्चुअली इट मेक्स सेंस क्योंकि बीच में क्या साइन है नेगेटिव साइन है sec square थीटा minus sin square थीटा और वहां पॉजिटिव साइन है तो cos और sin आगे मतलब इट ऑल मेक्स सेंस अच्छा ठीक है तो So let's start with this equation case is that x square by a square minus is equal to minus a ये interesting है अब देखो LHS वाला part C कुछ कुछ sections में ना ये ऐसे भी लिखा हुआ रहता y square by b square minus x square by a square equal to ऐसे भी लिखा हुआ रहता कुछ कुछ तो आपको क्या करना है आपको ये format में convert करना है इसको ठीक है इज इक्वल टू माइनस राइट देखो पॉइंट नंबर 1 मैं जो एकदम पहले क्लियर करता था कि यहां a b से बड़ा है कि b a से बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ट्रांसवर्स में इज इक्वल टू 1 होता है और कंजुगेट में इज इक्वल टू माइनस एग्जैक्टली तो मेरे स्टूडेंट के कंफ्यूज हियर b a से बड़ा आ गया अरे ये कंजुगेट है नहीं वो गलत है वो एलिप्स में काम करता है क्योंकि एलिप्स में वो हॉरिजॉन्टल है या वो एग्जैक्टली एबी पे डिपेंड करता है माने इक्वेशन तो वही है ए ग्रेटर देन बी हॉरिजॉन्टल बी ग्रेटर देन ए वर्टिकल यहां ए और बी पे कोई मीन इट डजंट इवन डिपेंड ऑन एनीथिंग इट डिपेंड्स ऑन आर एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 है तो ट्रांसवर्स इज इक्वल टू माइनस 1 है कंजुगेट आ गया पक्का आई मीन जस्ट कीप दिस इन माइंड राइट तो ना कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसे दिखेगा ऑब्वियसली है अब आपको ऊपर से आपको ऐसा नहीं करना आपको ना ऐसे कोई नहीं इसकी बात करो माने कंजुगेट से अपन सारे पॉइंट्स जैसा हमने लिखा वैसे लिखना होगा पॉइंट नंबर 1
ट्रांसवर्स अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्जुगेट हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाला होता है क्योंकि इसके फोकाई कहाँ है इसके फोकाई वाई एक्सिस पे तो एस जो है ये जीरो कॉमा देखो अब मैं यहाँ लिखूंगा बी और जीरो कॉमा क्योंकि इसको अपन सी लेते हैं और सी को बी लिखते हैं अपन जैसा हमने इसके लिए ए लिखा अब वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट पे क्या होता है इसका ट्रांसवर्स इसका बनेगा और इसका कॉन्जुगेट माने इंटरचेंज हो गया सो ट्रांसवर्स ऑफ दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस एंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज ट्रांसवर्स ऑफ दिस माने इंटरचेंज हो गया एक्सचेंज कर दिया एक्सचेंज ऑफ अच्छा अब देखो तो पहले इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वेशन x0 एंड पॉइंट्स 0, b और दूसरा 0, माइनस b और लेंथ 2b रिमेंबर सेम एलिप्स जैसा एलिप्स के था एलिप्स के लिए था वर्टिकल के लिए सेम एज इट इज माने आपको यहां किसके साथ कंपेयर करना है वर्टिकल एलिप्स के साथ जैसा इसको हमने कंपेयर किया था विद हॉरिजॉन्टल एलिप्स इसको आपको वर्टिकल के साथ कंपेयर करना है तो पॉइंट नंबर 1 इक्वेशन x = 0 एंड पॉइंट्स 0, प्लस और माइनस b लेंथ 2b सेकंड कॉन्जुगेट एक्सिस इसका कॉन्जुगेट एक्सिस y = 0 है ना y = 0 कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वेशन दूसरा एंड पॉइंट वैसे भी यहां पर एंड पॉइंट है अपन ले लेते हैं ऐसे सो a 0, a कॉमा 0 और a डैश माइनस a कॉमा इक्वेशन लेंथ इक्वेशन एंड पॉइंट्स और लेंथ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a पूरा इंटरचेंज हो गया है ना अच्छा थर्ड पॉइंट ओवर फोकस 0, b एंड 0, माइनस b करेक्ट अब देखो पहले अपन रिलेशन कर देंगे एक बार रिमेंबर रिकॉल फॉर एलिप्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू मास रिमेंबर अच्छा वर्टिकल के लिए क्या था a स्क्वायर इज b स्क्वायर इनटू मास अरे रिप्लेस a को b के साथ बदल सेम फंडा है वो सेम फंडा कि फॉर ट्रांसवर्स एलिप्स नॉर्मल एलिप्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर माइनस ऑफ दिस रखा है माइनस अच्छा फॉर कॉन्जुगेट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इनटू b स्क्वायर माइनस एग्जैक्टली तो क्लियर यहां b स्क्वायर जो था वो 1 प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर और यहां b स्क्वायर जो होगा 1 प्लस a स्क्वायर a स्क्वायर तो e को अगर हमने सिंपलीफाई किया इट बिकम्स a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय p और ये वाला स्क्वायर प्लस है ना डिवाइडेड तो चेंज नहीं होगा डिनोमिनेटर में पाई माने अपने को ये ऐड करना है तो b e कितना होगा अच्छा ये चेंज हुआ क्या वर्टिकल के लिए भी वही है और ट्रांसवर्स के लिए भी वही है तो आपको लिखना है 0, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम थिंग वी हैव रिटन फॉर ट्रांसवर्स हाइपरबोला करेक्ट नेक्स्ट डायरेक्ट्रिसेस डायरेक्ट्रिसेस कहां होंगे बीच में होंगे उसके इक्वेशन y इक्वल टू b बाय है y इक्वल टू b बाय e और ये वाला माइनस b बाय करेक्ट y इक्वल टू माइनस b बाय पहले वो a by e था a by e x is equal to parallel to y axis या parallel to x axis so y is equal to same thing अच्छा उनके बीच का distance 2b by 2b by correct ये होगा directrices पर उसके बाद that is focal distance yes sp and sp अब देखो अपन वर्टिकली भी नहीं
माने जहां जहां x था वहां पर जहां a था सिंपल पक्का माने अपना sp जो था e times pm तो अल्टीमेट डायरेक्टली लिखेंगे अपन रिजल्ट sp = ex अगर यहां ex minus a था है ना ex minus a तो ey minus ey minus b और s dash b ey plus b माने sp minus s dash b minus 2b multiply किया तो 2b होगा माने it's always important कि transverse के लिए 2a conjugate के लिए horizontal के लिए 2a vertical के लिए 2b है ना same comparison अब ये focal distance वाला हो next that is it गेस कर पाओ कोई इजी इक्वेशन ऑफ लैटिस वेक्टर y इज इक्वल टू x इसका y इज इक्वल टू b e और नीचे वाला इसका y इज इक्वल टू minus b और एंड पॉइंट अच्छा इसके लिए क्या एंड पॉइंट है a e और b इज इक्वल बाय a इसका a स्क्वायर बाय b स्क्वायर c x a स्क्वायर बाय b और देखो इक्वेशन तो b ही है y इज इक्वल टू b बस डायरेक्ट प्लस माइनस ही तो प्लस माइनस a स्क्वायर बाय b कॉमा प्लस माइनस b अच्छा इक्वेशन एंड पॉइंट्स उसके बाद लेंथ लेंथ कितना होगा 2a स्क्वायर मैं जो हमने वर्टिकल के वक्त किया था रिप्लेस a बाय b b बाय सेम यहां पर कर सकते हैं ऑक्सीलरी सर्कल में क्या लिखेंगे अच्छा अब देखो यहां ऑक्सीलरी सर्कल कैसे बनेगा ये ऐसा बनेगा है ना माने इसका इक्वेशन कितना होगा x plus y square is equal to this इसका सेंटर देखो कौन सा है ये हाइपोटेन्यूज x square plus y square is equal to b square अब देखो be very careful पैराबेंचिंग कोऑर्डिनेट्स में एनी डिफरेंस अब देखो अगर आपने secant और tan ही लिया अगर आपने a secant लिया और b tan लिया तो is equal to एक्चुअली कितना होगा 1 होगा माइनस 1 लाना है माने आपको बड़ी वेरी गुड वाला tan और इधर वाला secant वेरी गुड माने a tan का b secant का 2019 या 20 में क्वेश्चन आता है लेकिन एलिप्स में ना ये डिफरेंस नहीं था एलिप्स में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे सेम फॉर बोथ क्योंकि वहां a ज्यादा है कि b ज्यादा है उससे मतलब यहां साइन का मतलब है ना यहां साइन चेंज हो रहा माने secant tan बनेगा tan secant बनेगा हां ये एक पॉइंट है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है राइट वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद रिलेशन बिटवीन ab रिलेशन बिटवीन ab अच्छा इतना है ये बस लिख लो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इनटू c स्क्वायर माइनस उसके बाद x एंड z में ये दो लिखना x एंड z में ये दो सेंटर ऑफ बॉडी सेक्शन शुड बी एट दैट पॉइंट चलो गाइस आई मीन वो सेम सेंटर निकालना है बॉडी सेक्शन के लिए एच माइनस बी जी ए बी माइनस एच स्क्वायर जी एच माइनस ए अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड दोनों की हाइपरबोला के लिए देखो सेंटर कौन है 0,0 एलिप्स के लिए भी 0,0 स्टैंडर्ड के लिए सब सब स्टैंडर्ड का 0,0 वो पैराबोला में वर्टेक्स का 0,0 ठीक है वो ऐड करने की जरूरत नहीं राइट चलो अटैक करें कुछ क्वेश्चंस माने नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस है इफ यू हैव दिस ठीक है तो अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं 20 मिनट तक देखते हैं हमारे पास टाइम है तो वो शिफ्टेड वाला और टिल्टेड हाइपरबोला वो आज ही कर रहे हैं ना क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है ज्यादा हाइपरबोला में ना वो देखते भी नहीं वो शिफ्टेड और
At least ellipse they might ask, but hyperbola they don't even ask. But still we everything remains same. वो shifted arrays में क्या करता है capital X capital comparison ellipse इसमें ज़्यादा एक एक question है ना तो hyperbolas whose axes are parallel to coordinates. So क्या होता है basically हम कि उसको अपन लेंगे example में equation x minus h का whole square upon h square Yes. If center of hyperbola is shifted to h comma k then equation is x minus h comma whole square upon a square x minus h ka whole square upon a square minus y minus k ka whole square upon b square is equal to ठीक है तो अपन क्या करते हैं बेसिकली अपन क्या करेंगे वेरी सिंपल वी डू द प्रोसीजर व्हाट डू वी डू देखो a b a b तो चेंज नहीं होगी आपको मर्जी अगर कैपिटल लिया तो भी चलेगा वो कुछ भी चेंज नहीं होगा जैसे कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पहले टू हुआ करता था अभी भी टू है कोई प्रॉब्लम नहीं जहां जहां लेंथ है नो मॉडिफिकेशन कोऑर्डिनेट्स में मॉडिफाई होगा जैसे कि इसका सेंटर 0,0 है अच्छा ये सेंटर लाने के लिए अपने को बढ़ाना होगा x को by h और y को by k h को मत किया दस एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन अच्छा अब देखो अगर अपने को फाइंड करना है से एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इसका एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है कैपिटल a कॉमा 0 और दूसरा माइनस कैपिटल a कॉमा 0 है ना अच्छा उसको क्या करना है h ऐड करना है माने h plus a कॉमा सी कॉमा के वाई भी बढ़ाना है पक्का श्योर है ना अपन क्या कर रहे हैं कि अपन देखो इसके थ्रू जा रहे हैं है ना ये अपना मदद करेगा ये नहीं करेगा है ना तो इसका जो वर्टेक्स है मान x is equal to capital A y is equal to 0 तो कैपिटल x की जगह क्या लिखेंगे अपन x minus h is equal to a माने x is equal to पढ़ना तो ये अपन कहाँ से करने का वी हैव टू केस इस पैराबोला पैराबोला में हर एक पैराबोला के लिए किया एलिप्स में किया और अभी हाइपरबोला में करना सेम एंड जस्ट कीप दिस इन माइंड अगर मैंने पूछा ए क्या होता है स्मॉल ए अगर इक्वेशन से तो अपन पता चल जाएगा तो जो बार वो फोटो से यस सेम रेजिस्टेंस फ्रॉम किसके बीच का डिस्टेंस वेरी गुड सेंटर है और वन एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस
अगर आपके पास सेंटर है और वन वर्टेक्स है तो उनके बीच का दूरी ए होता है, पक्का? पर ये अंडरस्टूड है, मैंने वो बस क्योंकि ये कहां काम का है, टिल्टेड में काम का है, मतलब टिल्टेड में यही प्रॉब्लम आता है। तो ए ए क्या होता है, टिल्टेड में या इसमें, है ना उल्टा? अगर इक्वेशन है तो पॉइंट वगैरह सब ढूंढना है, अपन बहुत अच्छे से करते हैं। उल्टा, सेंटर दिया है, फोकस दिया है, एक्सेंट्रिसिटी दिया है, तो इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन के लिए अगर मान लो सेंटर दिया है, माने एच के, उसको कोई टेंशन नहीं, ए भी निकालना है। ए क्या दूरी होता है, सेंटर और वर्टेक्स के बीच का दूरी। अगर फोकस दिया है, सेंटर और फोकस दिया है, तो उनके बीच का दूरी कितना होता है, ए ही होता है। माने इसके लिए आपको एक्सेंट्रिसिटी का भी जरूरत पड़ेगा। माने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, माने यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। माने इक्वेशन टू ऑन द पैरामीटर्स या गिवन पैरामीटर्स टू इक्वेशन, ठीक है? अच्छा ये एक पॉइंट। नेक्स्ट कौन सा, डेटा, सेम जैसा मैंने लिख लिया वैसे इसके लिए। अब देखो एलिप्स क्या कह रहा है, ये एलिप्स एक पॉइंट था ऑन टू मेजर मेजर एक्सिस ऑन टू माइनर एक्सिस, तो ये वाई होता है और ये एक्स होता है। रिमेंबर इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस, एक्स माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू माइनर एक्सिस, अरे परपेंडिकुलर ऑन टू माइनर एक्सिस, हां का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू माइनर एक्सिस, अरे दोनों भी माइनर हो गए है ना, इसे हम डेटा की लिए ये अभी भी x sorry y और ये अभी x, अच्छा तो ना x square माने यूनिवर्सल ये c a होता है और ये b a b a, so न्यूमेरिकल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस on c a तो c a का whole square upon a square minus परपेंडिकुलर डिस्टेंस on b b a का whole square upon b square is equal to अदर्शन, ठीक है? इसके बाद डायरेक्टली पोजीशन ऑफ पॉइंट वाला वो अपन कल वाला क्लास में करेंगे, हैं? तो अपन इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, पता नहीं ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि अभी इस कुछ क्वेश्चन करना है, तो फिर पूरा रिवाइज करना होगा। तो पहली टेंसी था, एलिप्स हो गया, माने लगता है कि पूरा खत्म हो गया, ये ज्यादा कुछ किया है नहीं हमने, इफ इवन इज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ if e1 is eccentricity of x square by a square minus y square by b square is equal to if e1 is eccentricity of hyperbola, and e2 is eccentricity of ch conjugate hyperbola, mane hum kya likhna hoga x square by a square minus माने एक हाइपरबोला का ई माने उसका कंजुगेट का ई2 है, देन प्रूव दैट 1/e1 स्क्वायर
plus 1 by E2 square is equal to 1. 1 by E2 square plus 1 by E2 square is equal to 1. Okay. Easy, कुछ भी नहीं. अपन जानते हैं कि e one यानि e square is equal to a square plus b square by a square. याने ये normal hyperbola. Conjugate के क्या होता है? A square plus b square by a square. होता? याने sure. मैंने a की जगह b आ गया. ये conjugate के. अच्छा आपने को क्या फॉर्म करना है? One by a square. 1 by e square कितना होगा? e square upon e square upon e square. Correct? अच्छा 1 by e square? b square upon e square. b square upon e square plus e square. Add करने के बाद. Add किया? Cancel करेंगे e square. Proof. मैंने अगर आपके पास किसी कोई भी hyperbola का eccentricity है, तो उसका conjugate का eccentricity find किया जा सकता है by using this result. आप लोगों को याद है कि अब देखो तीसरा वाला कंडीशन भी आ गया कि रिमेम्बर एक सर्कल जो गिवन सर्कल को टच कर रहा और गिवन लाइन को टच कर रहा उस उन सर्कल्स का सेंटर्स का लोकस रिमेम्बर एक और केस था दो सर्कल थे एक के अंदर एक था तो एक सर्कल जो दोनों को भी टच कर रहा एलिप्स अच्छा अब दोनों ना बाहर के सर्कल्स तो रिमेम्बर याद कि ये सर्कल का सेंटर फोकस जैसा कर रहा था और इसके पैरेलल में डायरेक्शन जैसा कर रहा था और यहाँ इन दोनों सेंटर्स जो है वो फिर दो फिक्स पॉइंट्स एस और एस डैश दोनों रिकॉल हो गए क्वेश्चन नंबर टू प्रूव दैट लोकस ऑफ centers of circles prove that locus of centers of circles which touch two given circles externally is hyperbola कैसे सिंपल देखो ये मानो ये एक सर्कल है और मानो ये गिवन सर्कल है देखो पर दिस इज सी1 एंड से इस रेडियस इज आर एंड से दिस इज सी2 इट्स रेडियस इज आर तो ना एक आप सर्कल अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे जो दोनों को भी टच करता है दोनों को भी टच करता है ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ करेंगे एक इधर में बनेगा ऐसा ही बनेगा ऐसा भी बनेगा माने आप ना सर्कल्स को इधर भी मूव कर सकते हो और इधर के तरफ भी मूव कर सकते हो मतलब ऐसा लगता है कि दो-दो ब्रांचेस बन गए अच्छा दो-दो ब्रांचेस में हाइपरबोला जैसा दिख रहा है वो फील देता है राइट फिर भी अपने को एनालिटिकली प्रूव करना है तो लोकस वाला इसको हमने सेंटर को हमने कंसीडर कर लिया वेरी गुड वेरी इंटरेस्टिंग इनको मैंने जॉइन किया और इनको भी जॉइन किया अच्छा ये आर कोड है और ये आर और ये भी अब बताओ सी सी वन कितना होगा आर वन प्लस आर वन पक्का अच्छा सी सी टू कितना होगा आर माइनस यहाँ वेरिएबल कौन है आर तो उसको अपने को तो क्या करें दोनों को पक्का तो सी सी वन माइनस सी सी टू इज इक्वल टू आर वन माइनस आर पक्का अब देखो ये कौन सा है आगे मतलब यहां r1 बढ़ा है कि r2 बढ़ा है ये पर चलते क्या तो इसी का सबसे मतलब अब देखो ये कौन सा फील है sp माइनस s का कांस्टेंट वन की पक्का तो क्लियरली अपना pc है माने ये मूव हो रहा कौन फिक्स्ड है तो फिक्स्ड पॉइंट है c1 c2 माने ये s s डैश है श्योर
और वो फिक्स्ड कांस्टेंट डिस्टेंस टू ए जो है इट इज नथिंग बट आर 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 सर। चलो मैं ये एलिप्स के वक्त हमने ऐड किया था इसे रोक क्योंकि एक आर वन माइनस आर था दूसरा आर प्लस आर प्लस दूसरा दोनों को ऐड किया तो प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो गया क्योंकि इंटरनल टेस्ट कर रहा था और एक्सटर्नल टेस्ट कर रहा था बिल्कुल जहां वहां हमने ऐड किया था है ना इसे एक बार रिकॉल कर लेना दर्शन के बाद रोज में लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ज्यादा अब भी नहीं लगेगा सीधा इन अगला क्वेश्चन करते हैं इजी नहीं करो इफ इफ एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इफ एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फा represents if x squared by cos squared alpha minus y squared by sin squared alpha is equal to 1. Represent family of hyperbolas. Represent family of hyperbolas where alpha is parabolic. Represent family of hyperbolas where alpha is parabolic. Then where alpha is then first option e constant remember ye family of hyperbolas mein ye hyperbolas bahut sare hai mane in sare hyperbolas ke eccentricity constant hai kya ye check karna hai na char options hai option b aur axis of foci third equation of directrix fourth axis of y axis axis of y axis then aapko ye likhna hai then which of the following remains constant aapko ye likhna hai which of the following remains constant माने इन सारे फैमिली ऑफ हाइपरबोलास के क्या सेम है क्या फिक्स है ये मैंने करना है अब देखो पहले बात ये है वेरी फर्स्ट थिंग ए और बी का है वही तो करते हैं ना ये बताओ ए कितना मिलेगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा और बी साइन अल्फा अच्छा इतना तो हमने कर दिया अब देखो एक एक ऑप्शन पहला ऑप्शन चेक कर एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला रूट ओवर है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बने अच्छा 1 by cos alpha माने दिस इज sin alpha अच्छा आप बताओ ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है वेरिएबल क्योंकि अल्फा परमिट है वो चेंज होगा तो ये चेंज होगा मैंने पहला ऑप्शन गलत दूसरा एक्सिस ऑफ फोकाई मतलब फोकाई ए ई रिमेंबर ए ई ए ई ए ई का फार्मूला क्या रूट ओवर सर ये जो है एक ऑप्शन अच्छा माने 1 बाय cos अल्फा माने cos स्क्वायर अल्फा कैन यू सी दैट cos स्क्वायर अल्फा ये कांस्टेंट एक्सिस ऑफ व्हाट एक्सिस व्हाट व्हाट एक्सिस ए को मतलब यहां एक कौन है cos अल्फा कांस्टेंट मतलब माने डायरेक्ट आंसर इज एंड देखिए आप देखो ये एडवांस में आ चुका है ए चुक में भी आ चुका है बड़ा वो इजी क्वेश्चन था बट यू शुड बी क्विक टू यू नो सॉल्व है If the foci, if the foci of ellipse, question number four, if the foci of ellipse x squared by 16
plus pi square by b square is equal to 1. If the foci of L is x square by 16 plus y square by b square is equal to 1 and hyperbola h x square by 144 minus pi square by 81 is equal to 1 by 25. Coinciding. Then b square is equal to 1. Then b square is equal to 1. Now, हमने बेसिक क्वेश्चन देख लिया, स्किप किया डायरेक्टली, जैसे कि हाइपरबोला दिया है, सब फाइन करो, वो तो कर लो, मैं मशीन में है, एलिप्स के वक्त किया था हमने, लेट्स ट्राई के गेट कट थ्रू दोस क्वेश्चन से आना चाहिए। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इन दोनों का क्वेश्चन क्या दिया है, सब फोकस फोकस कोइंसाइड, मैंने इसका फोकस और इसका फोकस एक ही पॉइंट है। अच्छा अभी देखो कौन सा फिक्स्ड है, मैंने किसका मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, आरएचएस में क्या होना चाहिए, उसके साथ में 25 भी, हां 25 यहां न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर का पक्का 25 तो अब देखो फोकाई तो फाइंड करता है, माने इसका ए ई है ना, ए ई फाइंड करो बस, ए ई सो मच 12 by 5 क्या बताना है कि इसका फोकस किसका होगा, कौन सा होगा, मैंने आपको बस फोकस में करना आना चाहिए, इसका होता है तो अपने को ये देखेंगे और लगभग 5-6 क्वेश्चन करना है, कुछ एडवाइस भी बताएंगे वो उसके बाद अपन अपना वो स्टार्ट कर लेंगे टैंजेंट वाला और नॉर्मल वाला, ज्यादा कोई कांसेप्ट नहीं है और दो लेक्चर में अपना